वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। टुडे हियर वी विल डिस्कस 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एंड बिहार सीडीपीओ पेपर। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बेसिकली द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम 2019, 20 एंड 21। सो यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम 2019 और 20 का वीडियो के मतलब क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर 2021 की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, उसमें हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 और 20 से 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने इसमें लिया है, जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स 67th आने वाला है और बिहार सीडीपीओ का जो पेपर आने वाला है उसके लिए है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली हम चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अकॉर्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक क्या है, पूछा है। बिहार बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अकॉर्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा 26वां, 26 पोजीशन इस बार रहा उनका। तो आपको हम एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे रखे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 की एक रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26वें स्थान पर है। रैंकिंग 180 सुधार बिंदुओं और राज्यों के प्रदर्शन पर आधारित थी, जिसमें सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, सिंगल विंडो सिस्टम जिसको बोलते हैं, श्रम और पर्यावरण सहित 12 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था, जिसमें निवेश आकर्षक करने और व्यापार करने में आसानी के बड़े उद्देश्य थे। तो इसमें जो बिहार का स्थान है 26 कितने में, 36 में से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि बिहार निम्नलिखित में से बिहार में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, किसे 2020 से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा आपका अखिलेश पाठक को भी मिला था और संत कुमार सहनी को भी मिला हुआ था। तो इसका आंसर आई थिंक कि बोथ दोनों होगा आंसर, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोनों को, क्योंकि दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो जो नीचे आपको हम डिस्क्रिप्शन है उसमें है, आंशिक दृष्टि बाधित संत कुमार सहनी बेगूसराय में साक्षरता के पथ प्रदर्शक रहे हैं, शिक्षा के अंत में उनकी सराहनीय सेवा के सम्मान में उन्हें सारण जिले के अखिलेश्वर पाठक के साथ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिवस 2020 से सम्मानित किया गया था। तो ये प्राइज जो दिया गया था दोनों को दिया गया था, अखिलेश्वर पाठक को भी और संत कुमार सहनी को भी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कहाँ कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर होगा पटना में इसका शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पे पटना में किया है, तो IGMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरियल साइंस में पटना में राजकीय कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया। यह बिहार के लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रही है और करेंगे आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला योजना के तहत बनने वाले बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का नाम बताएं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। बिहार का पहला 4-लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक बनेगा, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, भारतमाला योजना के तहत बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का नाम होगा औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे, जो दरभंगा तक बनेगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में बिहार में आत्महत्या के पंजीकृत मामलों का प्रतिशत कितना है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2019 में आत्महत्या के पंजीकृत मामलों का प्रतिशत जो रहा है वो आपका है ऑप्शन ए 44.69%, तो ऑप्शन इसका ए इज द ऑप्शन सही, ए ऑप्शन है सही, इसका सही उत्तर होगा। तो बिहार में आत्महत्या के पंजीकृत मामले 44.69% हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं द्वारा
महिलाओं द्वारा प्रतिबंधित 10 लाख से अधिक SHG, ये क्या होता है? स्वयं सहायता समूह, ठीक है, स्वयं सहायता समूह वाला देश पहला राज्य कौन सा है? महिलाओं द्वारा प्रबंधित 10 लाख से अधिक SHG वाला देश पहला है बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं द्वारा प्रबंधित 10 लाख से अधिक SHG यानी स्वयं सहायता समूह है। ये गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, जीविका के तहत काम कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर विकसित किया गया है, यानी राज्य का दूसरा चिड़ियाघर विकसित किया जा रहा है जो कि अभी हो चुका है ऑलरेडी 2021 में। तो इसका सही आपका उत्तर होगा अररिया में, इसका सही उत्तर होगा अररिया, ऑप्शन डी। सीएम नीतीश कुमार ने अररिया जिले के फारबिसगंज में राज्य में दूसरे चिड़ियाघर के विकास को मंजूरी दी। इसमें राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी हिसाब को देखते हुए अररिया जिले के फारबिसगंज में इसका डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के मानसून सीजन के दौरान 2020 के मानसून सीजन के दौरान बिहार सरकार द्वारा कितने पौधे लगाने जाने चाहिए, ठीक है, ये 20 का क्वेश्चन है। जो आपका जो मानसून सीजन होता है, पार्लियामेंट्री सत्र जो होता है उसके लिए, तो मतलब था कितने पेड़ लगाने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.51 करोड़। इस मानसून सीजन में 2.51 करोड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त कर 3.47 करोड़ पौधे रोपे गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल जीवन हरियाली मिशन किस वक्त शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2019 में शुरू किया गया था। 2019 में नीतीश कुमार ने पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों की जांच के लिए जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया। 2012 में उन्होंने राज्य में वन कवर बढ़ाने के लिए हरियाली मिशन शुरू किया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2019। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में किसने चांद पर जमीन दर्ज की है? ये शायद आपको पता भी होगा आंसर। तो इसका सही आंसर होगा हामिद अंसारी साहब ने, उन्होंने बिहार पर चांद पर जमीन खरीदी है। हामिद अंसारी ने चांद पर 5 एकड़, कितने, 5 एकड़ जमीन खरीदी। यह बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बिहार के एक अन्य निवासी नीरज कुमार गिरी ने भी चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी है। लूनर इंटरनेशनल सोसाइटी वह संस्था है जिसके जरिए चांद पर जमीन खरीदी जा सकती है। खरीदारों को चंद्र गणराज्य की नागरिकता प्रदान की जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटराइजिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 में बिहार में बेरोजगारी दर क्या थी? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, कितनी थी, 11.9%। तो इसका सही उत्तर होगा 11.9%। सितंबर 2020 में बिहार की बेरोजगारी दर 11.91% थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर बीवी सिन्हा हाल ही में मानवता के प्रति उनकी सेवा के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वह निम्नलिखित में किस समाज के अध्यक्ष थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार रेड क्रॉस के वो मेंबर थे, ठीक है। डॉक्टर बीवी सिन्हा को इंडियन रेड क्रॉस का सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बिहार के किस शहर में सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम शुरू किया गया? सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, पटना। बिहार के पटना में सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम शुरू किया गया है। पटना नगर निगम का सिटी एम्बेसडर प्रोग्राम एक ऐसा मंच है जो नागरिक को शासन की प्रक्रिया और चुनौतियों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। पटना शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो पटना नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में स्वयं सेवा करना चाहता है और दूसरों
और लोगों को यूएलबी के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहता है वह शहर का राजदूत हो सकता है। तो इसी को लेकर के सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है जो कि पटना जिले में है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अभिनव अवधारणा छठ पूजा पर मेरा टिकट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रविशंकर प्रसाद पहले आईटी मिनिस्टर भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो बिहार से ही है, तो उन्होंने ही छठ पूजा पर मेरा टिकट जो है उन्होंने जारी किया था। केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस अभिनव धारणा छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया। यह अवधारणा डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है और इस अवधारणा के अनुसार कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन एक व्यक्तिगत तस्वीर या डाक टिकट की एक छवि प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे 17वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजय कुमार सिन्हा जी को क्या चुना गया है? 17वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। नवगठित विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सियासत में सदस्यता एक बुक है, उसका लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता के लेखक विजय कुमार चौधरी, इन्होंने पुस्तक का विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस पुस्तक का जो विमोचन है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लौंगी भुइया, जिसे माउंटेन मैन भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले से हैं? लौंगी भुइया का नाम आपने सुना भी होगा शायद बहुत, तो ये गया जिले के रहने वाले थे। इसका सही उत्तर होगा गया। गया जिले के गहलौर गांव के लौंगी भुइया ने लगातार 30 वर्षों तक अकेले काम किया और 3 किलोमीटर लंबी नहर खोदी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरुण कुमार वर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अरुण कुमार वर्मा, इसका सही उत्तर होगा पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में अरुण कुमार वर्मा जी बहुत फेमस थे, जिनका भी 2019 में ही 2019 या 20 में शायद 20 में हुआ है 20 में इनका निधन हो गया है। अरुण कुमार वर्मा बिहार के पूर्व सूचना आयुक्त और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पटना के पूर्व संपादक भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। केंद्र द्वारा उत्तर भारत में सबसे बड़ा हिमीकृत वीर्य केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्णिया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिहार के पूर्णिया में केंद्र की 100% सहायता से फ्रोजेन सीमन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यह पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ा होगा। देसी नस्लों के संरक्षण के लिए 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने संयुक्त रूप से पहली मदर डेयरी दूध इकाई का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। राज्य की पहली मदर डेयरी दूध इकाई पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के मठ बनवारी गाँव में स्थापित की गई। इसकी प्रतिदिन 1,00,000 लीटर दूध की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसका सही उत्तर ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है पहले भी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस LPG पाइपलाइन का नाम बताइए जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने बिहार में किया। किन्होंने किया था? अपने पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो कौन सा बिहार के कौन सा जगह का नाम पूछा है वो? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी दुर्गापुर और बांका। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुर्गापुर। 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर बांका पाइपलाइन पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा है, जो कि बांका बिहार के बांका जिले से होकर गुजरती है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा चुने गए 12 आइकॉन की सूची में बिहार से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, शिव दसिया कुंवर। शिव दसिया कुंवर जो है इस 12 आइकॉन्स की सूची में से एक है, बिहार जो बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार के सारण जिले की एक विधवा शिव दसिया कंवर को केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने अपने इस्पात इरदा अभियान के लिए 12 आइकनों में से एक रूप में चुना है। यह अभियान उन व्यक्तियों को बढ़ावा देने और उजागर करने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने अपने समुदाय के विकास में समृद्ध योगदान दिया, और इसलिए चुना गया क्योंकि उसने अपने हिस्से की जमीन गाँव समुदाय को एक स्कूल विकसित करने के लिए दान में दी थी, क्योंकि उसके गाँव में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुसा त्रासदी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुसा त्रासदी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उसका सही उत्तर होगा बिहार। कुसा त्रासदी जो है बिहार राज्य से स्थित है। कुसा त्रासदी 2008 में हुई थी जब कुसा में कोसी तटबंध टूट गया था 2008 में, और छतरपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। तो इसलिए कुसा त्रासदी का बिहार से संबंध है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाला भारत का पहला सबसे मतलब भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो और ये दोनों तो है ही नहीं बिहार में, बचा गया और पटना। ये दोनों में से जो है सबसे गंदा वो है गया। गया का 2020 में जो सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो हुआ उसमें से 10 लाख से अधिक की आबादी वाला जो सबसे गंदा शहर है वो है गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। गया बिहार 10 लाख से अधिक की आबादी वाला सबसे गंदा शहर है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2019-20 से हमने सेलेक्ट किया है, और हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें 20-21 से भी 25 क्वेश्चंस लेंगे। ऐसे ऐसे करके सीरीज बनाएंगे, जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और जो भी सभी आदमी को थैंक यू। आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ये चैनल से पढ़ाई के लिए बना है, इंटरटेनमेंट की यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई थिंक जो भी पढ़ने वाले हैं बच्चे हैं उनको आप शेयर कीजिए, रेफर कीजिए, ठीक है? तो हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।